चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड की जांच के बीच छात्रों का हंगामा जारी है। इस बीच वायरल हो रहे वीडियो में वार्डन छात्राओं को धमकाती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड की कड़ियां उलझती ही जा रही हैं। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें छात्राओं को एक वार्डन धमकाती हुई दिख रही है। उन्हें घर जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। छात्राओं की एक नहीं सुनी जा रही। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ उसके लिए वार्डन स्टूडेंट्स को ही दोषी ठहरा रही है। छुपाने की वजह से कॉलेज फंस रहा है, वरना तो कॉलेज की गलती नहीं है इसमें। ऐसे गलत मत दो जो आपकी साथ हम्बल रिक्वेस्ट मत दीजिए। गलत वर्ड प्रॉब्लम वो नहीं है, गलत वर्ड मत दीजिए। आप जैसे लोगों की वजह से ये चीजें हो रही है। मत दीजिए गलत वर्ड, जिन चीजों को पता नहीं है मत बोलिए उन चीजों को लेकर। अगर पता है तो डायरेक्ट वहाँ पर सब कुछ होता है, वहाँ बैठिए और वहाँ बोलिए। आपको हमने पूरी छूट दे रखी है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डीआईजी गुरप्रीत भुल्लर ने छात्रों से अपील की है कि जिनके पास भी कोई सुराग है वो एसआईटी से बेखौफ होकर शेयर करें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए शर्मनाक कांड में गिरफ्तार आरोपी के घर वाले अब उसके बचाव में सामने आए हैं। रंकज के घर वालों का कहना है कि आरोपी लड़की ने उसे जानबूझकर फंसाया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस केस में गिरफ्तार रंकज के परिजन उसके बचाव में आगे आए हैं। उनका कहना है कि एमएमएस कांड की आरोपी लड़की ने रंकज को गलत तरीके से फंसाया है। इस मामले में उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है कि वो लड़की को नहीं जानता, ना ही कोई चैट किया है। कौन सा वो नंबर है? इस लड़की ने डीपी लगा दी रंकज वर्मा की, नीचे नाम किसी और का डाला, फोन नंबर किसी और का डाला। इसी बात की रिपोर्ट करने के लिए हम ढली थाने में गए थे। इस वक्त रंकज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस वक्त वो खुद जो शिमला में उसके संबंधित थाना है उसके घर का, वहाँ पर पहले से मौजूद था, जहाँ पर उसने बकायदा इस एक कंप्लेंट दी हुई थी कि उसके नंबर का, उसकी डीपी का गलत इस्तेमाल किया गया है। उसकी डीपी किसी और नंबर पर लगाकर लड़की, जो आरोपी लड़की है, उसने रंकज को बदनाम करने की कोशिश की है। तो फिलहाल रंकज का परिवार इस पूरे मामले में रंकज को फंसाने का आरोप लगाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। रंकज के भाई पंकज की माने तो वो टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चलाता है, जिसकी वजह से उसके फोन पर कई राज्यों से फोन आते हैं। ब्लैकमेल वाली थ्योरी में इसलिए भी दम लगता है क्योंकि आरोपी लड़की खौफ में है। साथ ही शक होने पर आरोपी लड़की ने सारे वीडियो डिलीट कर दिए ताकि किसी को भी मास्टरमाइंड की भनक ना लग पाए। फिर जब उससे साथियों को लेकर सवाल जवाब हुआ तो उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।